सो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीटी या महाराष्ट्र एमसीए सीटी, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं अभी। बस बहुत ही कम टाइम बचा है अब एग्ज़ाम को लेकर के। हमारा एग्ज़ाम जो है वो कब है? एग्ज़ाम हमारा 14 मार्च को होने वाला है। तो लगभग लगभग आपकी प्रिपरेशन जो है वो पीक पे होनी चाहिए इस टाइम। इस टाइम आपको क्या करना है, सिर्फ आपको मॉक देना है और उसको एनालिसिस करना है। इस पर बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी है, डे वाइज प्रिपरेशन प्लान, फिर आपका अब इस टाइम पे क्या करना है, कैसे कैसे टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, कौन कौन से टॉपिक्स को छोड़ना है, सभी चीज़ों पर ऑलरेडी वीडियो जो है वो बनी हुई है। तो जाओ, आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा सभी चीज़ों का, एक बार जा करके गो थ्रू कर लो। सिर्फ और सिर्फ अभी मॉक टेस्ट ही देना है, क्योंकि देखो अब कितने मतलब 10 और 10 20 के आसपास डेज बचे हुए हैं। तो 20 दिन में आपको बस आपको यही जो है आप टॉप कॉलेज पहुंचाएगा, और इसी में फिर आपको लोअर कॉलेज का मूवी जो है देखना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो में हम ये सब पे डिस्कस नहीं करने वाले कि कब कौन से टॉपिक्स को करना है, कैसे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है। इन सब चीज़ों पे बहुत सारी चर्चाएँ डिटेल में विस्तार से हो चुकी है। आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कि टॉप कॉलेज और जो है लोअर कॉलेज में क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, आपको पता होने चाहिए, थोड़ा सा एक मोटिवेशन जो है वो मिल जाए इसे देखने के बाद। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो मैं 2 साल से काउंसलिंग कर रहा हूँ, काउंसलिंग जो है 2 साल से हो रहा है हम लोगों का। तो उसमें से क्या हो गया, अभी तक जितने बच्चे हैं प्लेस्ड हुए हैं, बहुत सारे बच्चे प्लेस्ड नहीं हुए हैं, अनप्लेस्ड भी हैं बहुत सारे, और उनका कॉलेज का रिव्यू वगैरह कैसा है, सब चीज़ आपको अगर देखना है तो हमारे ऐप जो है एमसीए ज्ञान वो डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड कर सकते हो, जब मैं रिव्यू कर मतलब सीनियर्स की जब मीटिंग रखता हूँ, पिछले साल भी मैंने रखा था, तो उसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। जा करके देख लेना कि उन जितने भी सीनियर्स आए हैं वहाँ पे, ज़्यादा नहीं 2-3 सीनियर्स आए थे हर एक साल, मतलब कंसिस्टेंस वो आते हैं, उन सभी जो है प्लेस्ड हो चुके हैं। मैं कोशिश करूँगा उनका पॉडकास्ट में लाने का कि कैसे उन लोगों ने ये 2 साल को बिताया, कैसे 2 साल भी नहीं कह सकते हो, अभी उन लोगों का लास्ट सेमेस्टर है ना, 4th सेमेस्टर अभी हुआ नहीं है, 3rd सेमेस्टर में ही सारे के सारे प्लेस्ड हो चुके हैं। तो वो कैसे इस जर्नी को जो है जिए और क्या क्या किए थे इन 2 सालों में, कि उनका प्लेसमेंट, बहुत सारे बच्चों का तो नन सीएस बैकग्राउंड से थे, क्या थे, नन सीएस बैकग्राउंड के बावजूद भी वो प्लेस्ड हो चुके हैं अभी 3rd सेमेस्टर में ही। इस रिसेशन के टाइम पे भी कैसे प्लेस्ड हुए, जहाँ कंपनियाँ आ नहीं रही है वहाँ पे भी इन लोगों ने अपने आप को जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी अपने आप में, तो प्लेस्ड हो गए। क्योंकि क्यों क्योंकि इस बार भी पहले क्या होता था, कॉलेज में बहुत सारी कंपनी आती थी, मतलब भर भर के कंपनी आती थी, लेकिन इस साल रिसेशन, ड्यू टू रिसेशन के कारण जो है कंपनी का आना बहुत कम हो चुका है। तो सोचो, एक ऊपर के कॉलेजेस में कंपनी कम आ रही है, तो एक थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि नीचे के कॉलेजेस में क्या हाल हो रहा होगा। अभी रिसेशन के टाइम पे जब ऊपर के कॉलेजेस में कंपनियां आ ही नहीं रही है, तो फिर नीचे में क्या होगा वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि टॉप कॉलेज टॉप कॉलेज टॉप कॉलेज, प्लेसमेंट टॉप कॉलेज। देखो, टॉप कॉलेज सिर्फ प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है कि ये हमारा टॉप कॉलेज है, ठीक है, प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ नहीं देखा जाता, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है कोई भी कॉलेजेस का, कि इसमें कंपनी कितना बुलाती है, कंपनी को कितना बुलाता है कॉलेज वाले, उसी के बेसिस पर जो टॉप और फिर नीचे लोअर कॉलेजेस डिसाइडेड होते हैं। और बहुत सारी जो है फैक्टर्स वो डिसाइडेड करती है कि हमें हमें इस कॉलेज को टॉप बोलेंगे, इस कॉलेज को हम लोअर बोलेंगे। टॉप कॉलेज में जैसे क्या हो गया, पुणे में ये महाराष्ट्र सिटी दे रहे हो, तो टॉप कॉलेज हमारा VGTI हो गया, जो आप महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए, ये नन महाराष्ट्र के लिए नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए है। तो आप इस हो ये हो गया, फिर आपका पुणे में क्या हो गया, SPPU हो गया, ठीक है, फिर 3rd में आपका PCCU हो गया, फिर आपका इसी टाइप से पिंपरी हो गया। बहुत सारे कॉलेजेस जो है आप 10 to 12 जो लिस्ट निकालोगे तो उसमें टॉप कॉलेज हो गया। और लोअर कॉलेज में किसी को ऐसे नहीं बोल सकता कि ये नीचे के कॉलेज है, आप लिस्ट निकालना, उसके जो नीचे के कॉलेजेस हैं वो सब नीचे के कॉलेजेस लोअर कॉलेजेस कहलाते हैं। तो इसमें क्या होता है, SPPU में जैसे क्या होता है कि कंपनियां, बच्चे कम है, 40 के आसपास सीट ही है, तो यहाँ पे जितनी भी कंपनियाँ आती है लगभग लगभग सारे बच्चे हर साल प्लेस्ड हो ही जाते हैं, कोई भी बच्चे अनप्लेस्ड नहीं होते। ये पिंपरी का भी यही हाल है, पिंपरी में भी इस बार कंपनियाँ
आई है, लेकिन उस लेवल की कंपनियां नहीं आई है। बहुत कम बच्चे प्लेस्ड हुए हैं इस साल अभी तक। कंपनी आ रही है, अभी भी आ रही है, लेकिन बहुत सारे बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, बहुत अभी भी बाकी हैं, तो हो जाएंगे फोर्थ सेमेस्टर होते होते। ठीक है, तो ये पिंपरी का हाल है। और नीचे के कॉलेजेस में क्या होता है, कंपनियाँ आती ही नहीं है, क्योंकि ऊपर के कॉलेजेस में आना भी मुश्किल हो गई है, तो नीचे में क्या होगा। और फिर ऊपर के कॉलेजेस में क्या होता है, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो इन्वायरमेंट होता है स्टडी का, वो डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू लोअर कॉलेज। क्या होता है यहाँ पर आपको डेली क्लासेस कंसिस्टेंसी जाननी पड़ेगी कंसिस्टेंटली। फिर वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह बहुत अच्छे से डिटेल में करना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक इन्वायरमेंट होता है ना, वो ऊपर के कॉलेज में आपको देखने को मिलेगा। नीचे कॉलेज में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जाते हैं, नहीं जाते हैं, मतलब नहीं ही जाते हैं ज़्यादातर कॉलेज जो नीचे के हैं, वहाँ पर उतना जो है बहुत बड़ा इशू नहीं होता कि अगर आप कॉलेज नहीं जाओगे तो आपका अटेंडेंस ये वो इन सब चीज़ का सीन होता भी नहीं है। और यहाँ पर जो है, जैसे ऊपर के कॉलेजेस में क्या होते हैं, बच्चे जो आते हैं स्टूडेंट है वो अच्छे लेवल के आते हैं, जैसे 98-99% वाले बच्चे आते हैं, तो सब मेहनती होते हैं, ज़्यादातर मेहनती ही होते हैं, तो इनका जो पढ़ने का तरीका होता है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होता है। और जो आसपास सराउंडिंग है, अगर मान लो कि आप एक नॉन सीएस से हो, आपके लिए पूरा पूरा न्यू है, जो सब्जेक्ट्स है, जो सिलेबस है, पूरा न्यू है। प्रोग्रामिंग में आप पहली बार आ रहे हो तो आपको दिक्कत होती है, तो वो दिक्कत को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ये जो स्टूडेंट्स आते हैं बहुत सारे, बहुत बच्चे होते हैं जो पहले से धुरंधर होते हैं प्रोग्रामिंग में या फिर कुछ भी, तो ये जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ना ऊपर के कॉलेज में, होता है ग्रुप। ग्रुप आपको साथ में ले करके चलता है, तो ये ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब नीचे के में बहुत कम देखने को मिलता है, एक दो होगा तो वो खुद अपने में बिजी हो जाते हैं, अपना खुद सेल्फ जो बोलते हैं सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ प्रिपेयर कुछ ज़्यादा ही करते हैं, वो ग्रुप वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होते हैं और उतना पढ़ाई के प्रति जो है इंटरेस्टेड भी नहीं होते हैं। तो ये सब चीज़ें दिक्कत होती है लोअर कॉलेजेस में प्लेसमेंट में, इसीलिए इसे बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं कि नीचे के कॉलेजेस और ये बोलते हैं हमारे टॉप के कॉलेजेस। बहुत सारे, मतलब एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर है। प्लेसमेंट तो है, ये प्लेसमेंट है, फिर आपका जो है कि फैकल्टी है, किस तरीके से वहाँ पर पढ़ाई हो रही है, क्या कितना इन्वॉल्वमेंट है, प्लेसमेंट सेल है कि नहीं है, फिर लैब है कि नहीं, अच्छे से लैब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको प्रोजेक्ट पे कितना काम करवाया जा रहा है, ये सब चीज़ें जो है आपको लोअर कॉलेजेस में और टॉप कॉलेजेस में डिफरेंट प्ले करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग टॉप बोलते हैं और इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसे लोअर। और इसी का तो मार होता है। तो अब 20 दिन बचे हुए हैं, 20 दिन में आपको डिसाइड करना है कि आपको इन सब में जाना है या फिर इन सब में जाना है, तो ये आपको डिसाइड करना है। अब ये 20 दिन ही बचा हुआ है, ये 20 दिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कैरियर। आपको अगर अच्छे इन सब कॉलेजेस में एडमिशन मिल गया, इन सब कॉलेज में एडमिशन मिल गया, तो भैया आपको मैं बता रहा हूँ, अगर मिल गया ना इन सब कॉलेजेस में, तो अब आप एक बार जो, अगर आपका जो कोई भी फ्रेंड होगा या फिर कोई भी होगा, अगर उनको इन इसमें इन लोअर कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, फिर आप खुद ब खुद कंपेयर करके देखना कि मैं जो अभी बोल रहा हूँ क्या वो सही था या नहीं था। ठीक है, सिर्फ प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखना, क्योंकि देखो हर साल हर एक कॉलेज का अलग अलग सिनेरियो होता है। जैसे किसी भी साल में IMCC का लास्ट ईयर ही देख लो, IMCC का बहुत सारे बच्चे प्लेस्ड नहीं हुए थे। ठीक है, नहीं हुए थे, कट ऑफ चला गया बहुत नीचे, मतलब 94 पे भी IMCC मिल गया। लेकिन इस बार जो कंपनी यहाँ पे आ रही है, और IMCC का क्या खासियत है, IMCC का है कि सिर्फ इसमें MCA है। ठीक है, सिर्फ MCA, BTEC नहीं है, सिर्फ MCA है। तो मान लो कि 10 कंपनियाँ भी आती है तो सिर्फ MCA को उठा करके लेके जाएगी, इसमें BTEC है ही नहीं। कॉलेज है, ऊपर के कॉलेज है, कंपनी तो आएगी ही आएगी, तो 10 कंपनियां भी आती है तो सिर्फ MCA के बच्चे को उठा करके लेके जाती है। और अगर मान लो कोई कॉलेजेस में BTEC है, तो BTEC वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है, कहीं भी चले जाओ BTEC को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती ही मिलती है। ठीक है, तो इन सब फैक्टर भी डिसाइडेड होता है कि ऊपर कॉलेज और नीचे कॉलेज। इसलिए मैं IMCC को लास्ट ईयर भी जब मैंने काउंसलिंग किया था, तो इसको मैंने टॉप, जिनका भी प्रेफरेंस लिस्ट बनाया था उनको मैंने टॉप पे रखा था, क्योंकि देखो प्लेसमेंट तो होता ही है किसी अकूड़ी का। जैसे देखो लास्ट ईयर बहुत कम प्लेसमेंट हुआ था, लेकिन इस साल बहुत सारी कंपनियाँ आ रही है, भर भर के कंपनी आ रही है, तो बच्चे लेकर के जाएगी। इवन पिंपरी से भी ज़्यादा बच्चे कंपनियाँ जो है अकूड़ी में आ रही है, तो ये चीज़ हो जाता है। तो प्लेसमेंट से आप देखोगे कॉलेज खराब और कोई खराब जो है अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो ये सब आपको देखना है। तो ये देखो ये सब टॉप कॉलेजेस हो गए, SPPU, PCCU, पिंपरी। तो अब एक टारगेट करके रखो कि ये सब हमें मिलेंगे कितने पे। ठीक है, तो ये सब मिलने वाले हैं आपको 95 प्लस, आपको लाना ही लाना पड़ेगा 95 प्लस परसेंटाइल, इतना आएगा तभी जो है कुछ चांसेस हैं, वरना आप भूल जाओ कि मिलेगा। 95 प्लस आएगा तभी जो है कि थर्ड राउंड तक भी जाओगे ना, तो भी आप अगर 95 से नीचे है तो इन सब कॉलेजेस में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो अभी भी आपके पास टाइम है, 20 से 25 दिन जो भी टाइम बचा हुआ है, 20 से 25 दिन तो नहीं है, 10 10-20 दिन के आसपास है, 20 दिन भी बोल सकते हो
गिनगुद के है। तो फिर आप ये देख लो, आपको जितना भी डेज बचा हुआ है इसी में जो है ऊपर के और नीचे के कॉलेजेस मिलेगा। और मैं बता रहा हूँ कि अगर ऊपर के कॉलेजेस मिल गए ना तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, कंपनी आएगी। उस अगर आप पढ़ने में थोड़ा सा भी वीक हो, प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा भी वीक हो ना, तो आपका जो है प्रोग्रामिंग वो स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि जब सामने वाला कुछ अच्छा कर रहा होता है ना, तो हमें खुद से मोटिवेट होता है, खुद से हमें फील होता है कि हमें भी अच्छा करना है। तो देख देख के जो है आपको भी बहुत अच्छे तगड़े प्रोग्रामर बना देगा कॉलेजेस, और जो आपका सराउंडिंग में जो आपके फ्रेंड्स रहेंगे वो लोग। तो ये सब चीज़ें हैं, फैक्टर है, बहुत ही बड़ा फैक्टर है। तो मैंने सोचा कि एक बार आपको छोटा सा मोटिवेशन टाइप की वीडियोस चाहिए ही चाहिए, जो ये इस टाइम आपको अच्छे से बूस्टअप मिले। और अगर आप अभी भी टेस्ट नहीं दे रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों का लिंक है, जाओ टेस्ट ज़रूर दो, मॉक टेस्ट दो और उसे एनालिसिस करो आराम से, ठीक है। बस इतना ही रखते हैं टॉप और लोअर के कॉलेजेस में, बाकी जो है वो 20 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम है। ऑल द बेस्ट, और कुछ भी होता है तो मैं फिर से आऊँगा।